तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बनाकर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया और साइट पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन है क्या होता है कंट्रास्ट में, जैसे ही आपको बोला था मैं पहले मैग्नीफायर को बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं इस फंक्शन की। ठीक है, तीसरा फंक्शन है हाई कंट्रास्ट क्या होता है। मेरे को पहले कहा था कि मेरे स्क्रीन जो डिस्प्ले की लाइट है वो डीम है, उसको बढ़ाने के लिए हाई कंट्रास्ट कर सकता हूँ, या तो फिर आपके अलग अलग डिस्प्ले होती है, एसर है, एओसी है, अलग अलग कंप्यूटर के नीचे जो होता है डिस्प्ले के नीचे वो कुछ चार पांच बटन होते हैं, उसको आप वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके सेट कर सकते हो कितना कंट्रास्ट चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर थीम, कोई भी हाई कंट्रास्ट 1 2, मुझे कोई सिलेक्ट करना नहीं है इसलिए मुझे। ठीक है, आपको बस जानकारी के लिए मैं सिर्फ सेट करूँगा। तो यहाँ पर बताएगा टेक्स्ट आईपीएस डिसेबल टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट और बॉटम टेक्स्ट बैकग्राउंड क्या आप चेंज करना है। तो बैकग्राउंड में ब्लैक है तो यहाँ पर कोई भी चेंज कर सकते हो, रेड है तो रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगेगा बैकग्राउंड के अंदर, ये हाई कंट्रास्ट के अंदर, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जो होता है ये येल्लो बताया हुआ, तो आप कोई भी चेंज कर सकते हो क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नॉन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक कर सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड के, जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जैसे कि मैं टेस्ट पर क्लिक किया, ठीक है, अप्लाई करोगे तो उसकी जो लाइट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, क्लोज कैप्शन एक ऐसी फंक्शन है हमारे विंडो 8.1 से विंडो 10 के अंदर, कि जब भी आपका कोई भी कैप्शन सेटिंग्स होगा, इसके फॉन्ट का कलर, ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि टोटली आपका जो मान लो कि मैं यहाँ पर स्टार्ट दिखा दे, ऑल लेफ्ट पावर है, सेटिंग्स है, फाइल ये जो लिखा हुआ है वो आपको बोल्ड करना है, कलरिंग करना है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि उसको डिफॉल्ट ही रहने दे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर कर सकते हो वाइट कर सकते हो। ठीक है, वाइट तो है, फिर ब्लैक कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन अभी ये तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज कैप्शन है, मुझको कुछ सेटिंग करना नहीं है, बैकग्राउंड कलर है वगैरह, तो इसका उसको वहीं पर रहने, उसको डिफॉल्ट ही रहने दे, उसको कुछ छेड़खानी ना करें। आपको करना है तो कर सकते हो चेंज, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हुए हैं। ठीक है, कैप्शन साइज 100% कर सकते हो या डिफॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है कीबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, दो कीबोर्ड होते हैं, एक तो मान लो कि मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मैं कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करता हूँ बंद कर देता हूँ, प्रेस करता हूँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा कीबोर्ड मान लो बिगड़ गया है, ठीक है, मेरा कीबोर्ड चल नहीं रहा क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि USB पोर्ट खराब हो जाता है कभी कभी, कीबोर्ड के अंदर जो बटन्स होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक स्लाइड्स होती है वो खराब हो जाती है, कभी कभी हाई पावर के कारण भी हमारा कीबोर्ड की जो सर्किट होती है वो फेल हो जाती है। तो ऐसे में हमारा अर्जेंट काम है और उसको किस तरह से यूज़ करें, हमारे पास कीबोर्ड भी दूसरा नहीं है, तो इसके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की फैसिलिटीज आती है। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हो उसकी, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको कीबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप कोई भी सेटिंग सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं विंडो बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो विंडो ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पर विंडो ओपन हो गई, देख सकते हो अभी यहाँ पर। अच्छी, जैसे मैं बंद कर देता हूँ, जैसे मैं ओपन करता हूँ ओपन हो जाएगा, जैसे मैं बंद कर देता हूँ बंद हो जाएगा। तो ये जो है विंडो की ओपन करके बता, कोई भी फाइल मुझे यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स आए, ठीक है, मुझे डिस्प्ले क्लिक करना है, डिस्प्ले कोई भी आप यूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। ये बैक स्लैश है, डिलीट है, ये एंटर है, ये आपके कुछ लेटर्स है, कुछ नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पर एस्केप की है, यहाँ पर कैप्स लॉक है, यहाँ पर नम लॉक होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग, ठीक है, ये नेम है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे आप सेट कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। स्टिकी की क्या होती है, प्रेस की टाइम फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप जानते ही होंगे कि विंडो के ऊपर में की ऑपर की वो विंडो की पर में क्लिक किया, मतलब कि माना कटेट विंडो की के ऊपर मैंने प्रेस किया तो ये विंडो ओपन हो गई, यहाँ पर दिखा दे रहा है, ठीक है। कीबोर्ड पर देखो आप, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर, ठीक है, मेरा कर्सर तो यहाँ रहा, ठीक है, यहाँ रहे, यहाँ है, और मैं यहाँ कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की हुई ना, मुझे यहाँ स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करना है या फिर मैं फाइल फोल्डर ओपन नहीं करना है। तो स्टिकी की होती, टैगल की क्या होती है, अगर आपको शॉर्टकट की सेट करनी है तो ऑन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कैसे ही ऑन करोगे, यहाँ पर तीन डॉट जैसा स्टिकी की आ जाएगा। स्टिकी की होती क्या है, आपको कोई ऐसा अर्जेंटली काम है या तो अर्जेंटली आप वर्क कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम मतलब टाइम ज़्यादा जा रहा है कीबोर्ड प्रेस करने के लिए, तो स्विफ्ट बटन के लिए कौन सा आप सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो टाइम कौन सी की यूज़ करना चाहते हो, कौन सी जो, जैसे कि मुझे मैग्नीफायर ओपन करना है तो मैं आपको विंडो की में दबा कर रखो और प्लस प्लस बटन दबाओ तो ये मैग्नीफायर फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की हुई, मतलब ऐसा वे जो आपको शॉर्टकट रास्ता मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, ये शॉर्टकट की है मैग्नीफायर ओपन करने के लिए। बहुत सारे ऐसे की होते हैं, इसके लिए भी मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की इतना सोच लीजिए कि ऐसा कोई विंडो ओपन करने का तरीका जो होता है, जो यहाँ पर आपको बिना कोई बटन या तो फिर बिना कोई सेटिंग्स चेंज किए वो सेटिंग्स की जगह को आपको ओपन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी विंडो की सेटिंग्स है जो वहाँ पर आपको मैन्युअली जाना ही होगा, शॉर्टकट की का कोई मतलब वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मुझे कंट्रोल पैनल में जाना है, तो कंट्रोल पैनल में मुझे यहाँ से जाना के लिए, ठीक है, मुझे कंट्रोल पैनल लिखना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल, इसे मैं क्लिक करूँगा तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की होगी, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑफ स्टिकी की, रिलीजिंग मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन विद अनदर की, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा आपका दूसरे की के साथ तो वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा। प्ले साउंड मॉडिफाई की, जब भी मैं कोई भी बटन दबाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप साउंड सुनते होंगे, तो साउंड सुनने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर प्ले साउंड मॉडिफाई लेक्चर लोकेट एंड रिलेशन, लेक्चर मतलब क्या होता है, जो की होती है हमारी साउंड की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉक करते हो तो ठीक है, इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हो लेक्चर, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले स्टिकी की आइकॉन ऑन द टास्क बार, तो आप जो स्टिकी की हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो स्टिकी की जैसे तीन डॉट आए थे तो आप डिस्प्ले कर सकते हो। टैगल की क्या होती है, टैगल की दो तरह की होती है,
पहली कि आप सुन रहे हो टोन को और उसको कैप्स लॉक नम लॉक स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये लॉस लॉक के लिए है, ठीक है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीन बटन किस तरह के होते हैं। कैप्स लॉक आप बटन दबाओगे तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है वो स्मॉल से फर्स्ट ए बी सी डी में आ जाएंगे, ठीक है, वो कैपिटल में हो जाएंगे। कैप्स लॉक को मैं बंद कर दूंगा तो वो फिर से स्मॉल हो जाएंगे, मतलब जब भी मैं कैप्स लॉक ऑन होगा तब मैं क्या टाइपिंग करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो आप कैपिटल में वो यूज हो रहा है, ठीक है, मैं कीबोर्ड, लेकिन मैं बंद कर दूंगा तो फिर यहाँ पर स्मॉल में हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है थी कैप्स लॉक के बारे में, ठीक है। फिर स्क्रॉल लॉक क्या होता है, स्क्रॉल लॉक मतलब जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्क्रॉल लॉक है तो इसका भी आप स्क्रॉल लॉक को लॉक कर सकते हो। फिल्टर की क्या होती है, फिल्टर मतलब एक ऐसी की जो एडजस्ट कर सकते हैं आपको, ये आप देख सकते हो फर्स्ट फ्री फाइन फ्लोर्स, तो ये जो होती है फिल्टर, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप फिल्टर कर सकते हो। आप इस की को यहाँ पर देखो, छोटा सा फिल्टर की का है, एक कलाम जैसा एक लोगो आ गया है, ठीक है। तो ये फिल्टर की रिपीट कर सकते हो आप, और टर्न ऑन फिल्टर की तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर अदर सेटिंग्स दिखा, इनेबल शॉर्टकट अंडरलाइन, ठीक है, शॉर्टकट की के अंदर अंडरलाइन सेट कर सकते हो आप। डिस्प्ले वार्निंग मैसेज भी कर सकते हो आप, जब कोई शॉर्टकट स्टार्ट करना है तो मेक साउंड टर्निंग सेटिंग ऑन ऑफ शॉर्टकट, शॉर्टकट स्टार्ट और बंद करने के लिए, जब आप आपको पता चले कि मुझे इसको स्टार्ट और बंद करने के टाइम पर मुझे इसको साउंड देना है तो साउंड भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस कीबोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं अभी, तो मैं बंद कर दूंगा। स्टिकी की को भी मुझे बंद कर देना है। तो यह बात हो गई हमें कीबोर्ड के बाद, माउस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माउस के बारे में हम बात तो करेंगे, डिस्कस करेंगे कंट्रोल पैनल की सीरीज में, लेकिन पहले अभी हम ऊपर से थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है पॉइंटर की साइज है, ठीक है। तो पॉइंटर में मेरा अभी जो मेरा माउस पॉइंटर है, ठीक है, या इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये, लेकिन उसकी साइज को बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, देखो यहाँ पर मेरी साइज बढ़ गई है, और बढ़ाना तो और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लगता है, फर्स्ट वाला। पॉइंटर का कलर भी चेंज कर सकते, देखो अभी मेरा वाइट है, ठीक है, और बॉर्डर जो है ब्लैक है पॉइंटर की, जिससे मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा पॉइंटर, कैसा होगा अभी ब्लैक हो गया, लेकिन मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ठीक है ये ब्लैक हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी भी सेटिंग्स है, लेकिन कंट्रोल पैनल के अंदर है, लेकिन आप देखिए देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर माउस की सेटिंग्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर जब माउस की सीरीज अभी कंट्रोल पैनल की सीरीज जो स्टार्ट होगी, ठीक है, उसके वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि किस तरह से सेटिंग्स करना होता है माउस के अंदर। ये जो मेन सेटिंग्स है और इस सेटिंग, ये सेटिंग्स जो है ये विंडो की सेटिंग्स है माउस के लिए, और ये सेटिंग जो है, ठीक है, तो ये जो है ये माउस की सेटिंग्स है, ठीक है। तो ये विंडोज़ की सेटिंग्स के अंदर इजी ऐसे आपको शॉर्टकट मिले, और ये जो है सेटिंग्स है माउस की, ये कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो ऊपर से आपको बताया हुआ है कि आपको इस तरह से विंडो के अंदर फीचर, विंडो 10 के अंदर ही फीचर है। तो यहाँ पर कंट्रोल पैनल में भी आपको विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1 में भी एक ही तरह की सेटिंग्स मिलेगी, यही सेटिंग्स मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन जब हम कंट्रोल पैनल की बात करेंगे तो माउस सेटिंग्स के बारे में हम सीख लेंगे, ठीक है। जब कंट्रोल पैनल की पूरी सीरीज बनाएंगे तब इसको हम बंद कर, अभी तो इसको ज़रूरत नहीं है तो बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर अब माउस की बात करते हैं, माउस की क्या होती है, माउस की को जैसे मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो माउस का थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ लोगो बताया हुआ, ठीक है। तो ये लोगो क्यों होता है, तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई, तो सेटअप माउस की, टर्न ऑन माउस की करना चाहते हो तो ऑन करोगे, ठीक है, माउस की के अंदर, ठीक है। यूज नंबर कीपर, ठीक है, नंबर कीपर मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन, ठीक है। जब भी आपको कीपैड चाहिए तो माउस की तरह आप क्या कर सकते हो, नंबर कीपर आप अराउंड स्क्रीन के अंदर मूव करा सकते हो, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट जो होते हैं कंट्रोल एंटर शिफ्ट नम लॉक है, फिर तो यहाँ पर ये जो शॉर्टकट्स है वगैरह, ठीक है, पॉइंटर स्पीड है, ठीक है, जैसे कि मेरा पॉइंटर है, ठीक है, उसको मैं हाइड कर दूंगा, हाइड, तो ये जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा,
फास्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट था मैं वही रखूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वही रखूँगा मैं। तो यहाँ पर आप एक्सेल जब भी आप होल्ड डाउन कर्टर शिफ्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे माउस को स्लो करना है तो आप इसको ऑन करके अप्लाई कर कर आप ओके कर सकते हो। फिर जैसे आप कर्टर दबा कर रखोगे तो आप कर्टर एंड शिफ्ट दबा के रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माउस स्लो हो जाएगा। उधर सेटिंग्स है कि माउस और कीबोर्ड ना अनलॉक क्या है, चल नहीं। जैसे कि मैं बोला था कि आपको आपका कीबोर्ड के ऊपर नम लॉक होता है, नम लॉक की पर प्रेस करोगे तो नंबर क्लिक ऑन और ऑफ दोनों होते हैं। जैसे ही नम लॉक ऑन हो जाएगा तो आप पर नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 1 2 2 3, तो नंबर ऑन की मैंने अभी प्रेस नहीं किया, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका आवाज़ आया हुआ बीप का, तो मैं ठीक है आप सेट कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इजी टू ऑलवेज स्कैन दिस सेक्शन। तो ये सारा जो सेटिंग आप सेट कर सकते हो, ऑलवेज स्कैन दिस सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो नैरेटर है स्टार्ट हुआ है। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर विंडो स्टार्ट नैरेटर बटन ऑल्ट प्लस एन नैरेटर रीड्स अलाउड नैरेटर सेटिंग्स विंडो एक्सिटिंग नैरेटर। तो हमने नैरेटर स्टार्ट नहीं किया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपको इधर पता चल गया होगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदर ऑप्शन बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ विजुअल ऑप्शन है, प्ले एनिमेशन इन विंडो, एनिमेशन जो होता है, ठीक है, प्ले तो आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत आपको आपको ये डिफॉल्ट है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सो विंडो बैकग्राउंड, ठीक है, विंडो के अंदर पीछे जो बैकग्राउंड है आपको दिखाना है, तो मेरे ठीक है आपको ये जो विंडो का पीछे जो बैकग्राउंड होता है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो बैकग्राउंड है, तो इस बैकग्राउंड को यहाँ पर, ठीक है, दो ऑप्शन है, प्ले विंडो, एनिमेशन विंडो, ठीक है। यहाँ पर सो विंडो बैकग्राउंड है, आपको ऑन रखना, ऑन रखते तो ऑफ जैसे कर दूंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ भी होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ऑन ही रहने दे, कुछ सेटिंग्स को चेंज मत करिए। कर्सर थिकनेस है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्सर की थिकनेस जो चेंज है वो चेंज कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है मैं वही रहने दूंगा, ठीक है। ये थिकनेस क्या होता है बता देता हूँ, आपको समझ देता हूँ। जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड, तो ये जो थिकनेस है इसको सेल वी के, ठीक है, थिकनेस है। अब इसको मैं मान लो कि मैं और इसको और मैं उसको बढ़ना चाहता हूँ, देख सकते हो आप सेल इस तरह से बढ़ गया है। फिर यहाँ पर फिर से मैं इसको स्मॉल कर दूंगा, तो यहाँ पर आप स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही रहने दे आप, ठीक है, चलो। तो फ्लैश एक्टिव टाइटल बार क्या होता है, फायर फ्लैश एक्टिव टाइटल बार जो टाइटल बार जो होता है हमारा टाइटल बार एक्टिव होता है, एक्टिव ही रहने दे इसको, उसको छेड़खानी मत कीजिए। तो यहाँ पर हम विजुअल ऑप्शन के बारे में हमने सीखा, ठीक है, तो इजी ऑफ एक्सेस के बारे में हमने सीख लिया सेटिंग्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है, हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तब बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है
ये बेसिक स्टार्टिंग यूजर्स के लिए यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी मैंने प्लेस बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।